दोस्तों, बेरोजगारी की अगर सच्चाई आपको जाननी है, हमारे पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, इसकी आज धरातल पर आपको सच्चाई दिखाऊंगा। मैं अभी मनेरा स्टेडियम उत्तरकाशी में हूं, जहां होमगार्ड की भर्ती के लिए युवा दौड़ लगा रहा है। और यहां पर पूरे जिले में लगभग 35 से 40 पद हैं, और जिसके लिए 4 से 5 हजार युवाओं ने, 4-5 हजार बेरोजगारों ने आवेदन किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे युवाओं की चिंता आखिर किसको है, कौन इसका जिम्मेदार है, जो इन युवाओं को नौकरी देने के लिए नए नए व्यवसाय, नए नए हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य कर रहा है। हमारे राजनेता कुर्सी पर बैठकर सिर्फ इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 100-200 लोगों में एक व्यक्ति का चयन होगा। अब खुदा न खास्ता, भगवान न करे कि कोई सेटिंग और पैसा ले दे के वहां पर अंदर में बात ना चले, तो कहीं कुछ बात सामने आई तो बड़ी शर्मनाक होगी। आइए दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में इन युवाओं की अगर आपको चिंता है, तो आने वाले समय में एक युवा का साथ दीजिए। एक युवा ही इनके भविष्य के लिए कुछ कर सकता। पुरानी सोच वाले नेता हमारे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे, एक एक समस्या का सिर्फ और सिर्फ जब उनको वोट के समय याद आता है और वो कुछ नहीं करते। ये तमाम युवा हैं, कुछ लोगों के फॉर्म निरस्त हो गए हैं, कुछ लोग अंदर गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है, 35 से 37 पद हैं और 4 से 5 हजार लोगों ने आवेदन किया है। तो जो बेरोजगारी है वो हमारे समाज में अभिशाप हो रही है, एक दानव का रूप धारण कर रही है। तो यही ग्राउंड की सच्चाई है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।